प्यारे बच्चों, क्लास ट्वेल्थ का टर्म वन परीक्षा नवंबर माह में होना है। इस बार जो आपका टर्म वन का क्वेश्चन और टर्म टू का रहेगा वो नया पैटर्न पर लिया जाएगा। उसी पैटर्न पर मैंने भूगोल विषय का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और भूगोल के बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका MCQ जो है 20 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम रखे हैं, माता प्रकृति किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा भौतिक पर्यावरण को। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर उपनिवेश सन युग में मानव भूगोल में किस उपागम का प्रयोग किया गया? तो आपका हो जाएगा प्रादेशिक विश्लेषण। दूसरा है, सर्वाधिक जन्म दर वाला महाद्वीप है? तो सबसे है अफ्रीका सर्वाधिक जन्म दर वाला महाद्वीप है। चौथा है, जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि दर कहाँ पाई जाती है? तो ओशिनिया में पाई जाती है। चौड़ा आधार तथा पतला होता शीर्ष आकृति वाला पिरामिड क्या दर्शाता है? तो वो विकासशील जनसंख्या को दर्शाता है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग कौन सा है? तो प्रौढ़ वर्ग। उसके बाद है, डॉक्टर महबूल उल हक ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? तो सन 1990 में। मानव विकास का केंद्र बिंदु क्या है? तो संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आदिमकालीन समाज किस पर निर्भर था? तो जंगली पशुओं पर। प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है क्या? तो आखेट और भोजन संग्रह दोनों है, इसीलिए आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है कितना? तो 1.64%। जनगणना 2011 के अनुसार किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग का अंश है कितना? 20.9%। प्रवास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो आजीविका है, विवाह है और शिक्षा तथा वृत्ति का है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। 14, यदि प्रवास राज्य की सीमा के बाहर हो तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय प्रवाह कहते हैं। फिर वर्तमान संदर्भ में विकास का प्रतीक किसे समझा जाता है? तो कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 16 है, सामाजिक संकेतक है क्या है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब स्त्री साक्षरता, स्कूल जाने वाले बच्चों का नामांकन, छात्र अध्यापक अनुपात। 17 है, नगरीय बस्तियों का लक्षण है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अपेक्षाकृत बड़ी बस्तियाँ द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में विशेषीकृत और जीवन का जटिल होना। 18 है, पल्लीकृत बस्तियों का स्थानीय नाम है? तो पन्ना, पाड़ा या पाली तीनों नाम है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। 19 है, रबी की फसल का समय कब है? तो अक्टूबर से मार्च। अप्रैल से जून के मध्य का समय किस कृषि ऋतु का है? तो वो है आपका जायदा का। अब एक शब्द में आपको आंसर देना है, ऐसा क्वेश्चन आपका 5 रहेगा। 9, निश्चयवाद की धारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो ग्रिफिथ टेलर ने की थी। फिर जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र है, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। फिर है, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात वाला देश कौन है? तो लाटविया 1187। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया सन 1990 में। संसाधनों तक पहुंच की क्रय शक्ति को किस संदर्भ में मापा जाता है? तो डॉलर में। अब आपको एक सेंटेंस में आंसर देना है, ऐसा क्वेश्चन आपका 5 रहेगा। पहला है, मानव विकास के किस उपागम के प्रस्तावक डॉक्टर अमर्त्य सेन है? तो आंसर होगा मानव विकास के समता उपागम के प्रस्तावक डॉक्टर अमर्त्य सेन है। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने मूल रूप से किस मानव विकास के उपागम को प्रस्तावित किया है था? तो इसका आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने मूल रूप से आधारभूत आवश्यकता उपागम को प्रस्तावित किया था। तीसरा है, मानव विकास प्रतिवेदन 2016 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो हो जाएगा 2016 के अनुसार भारत 131वें स्थान पर है। फिर है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादक किसने किया था? तो वो है डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था।
महबूब उल हक के अनुसार जीवन की सार्थकता क्या है? तो उनके अनुसार है, जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। अब शॉर्ट टाइप आंसर आपका 5 रहेगा, शायद 3 रहेगा, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, शॉर्ट टाइप आंसर आपका 3 रहेगा, जिसमें से बनाना आपको 2 रहेगा। पहला क्वेश्चन है, नगरीय जनसंख्या की विशेषताएं समझाएं। तो पहला है, नगरों में रहने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। अपनी आजीविका के लिए नगरीय लोग द्वितीय व तृतीय चतुर्थक एवं पंचक व्यवसायों जैसे विनिर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, सेवाओं तथा उत्तर बौद्धिक परामर्श, प्रबंध व सुपर स्पेशलिस्ट कार्यों इत्यादि पर निर्भर करते हैं। नगर के लोग एक विशिष्ट जीवन पद्धति द्वारा अनुकूलित होते हैं तथा यहाँ जीवन की तीव्र गति और संबंध औपचारिक होते हैं। फिर है, सामाजिक दूरी, सामाजिक विषमता, आर्थिक दृष्टि से वर्गीकृत, समाज सामुदायिक भावना की कमी नगरीय संस्कृति के लक्षण हैं। दूसरा क्वेश्चन है, साक्षरता के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो साक्षरता का महत्व, किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। साक्षरता जनसंख्या के उस सामाजिक पक्ष को प्रतिबंधित करती है जिसमें हमें जनसंख्या की गुणवत्ता का बोध होता है। शिक्षा के बिना मानव संसाधन का विकास नहीं किया जा सकता है। निरक्षरता और पिछड़ापन एक दूसरे के पूरक होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर बताइए। तो पहला अंतर है, अंतर्राज्यीय प्रवास, जब लोग एक राज्य के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवास करते हैं उसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। और जबकि जब प्रवास एक राज्य से राज्य के अंदर ही प्रवास करेंगे तो अंतर्राज्यीय हो जाएगा, और जब एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम प्रवास करेंगे तो उसको अंतर्राज्यीय प्रवास कहेंगे। दूसरा है, इस स्थिति में लोगों का प्रवास एक जिले से दूसरे जिले में या एक गांव से दूसरे गांव में होता है, जबकि इस स्थिति में लोगों का प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है। तीसरा अंतर है, यह प्रवास मुख्यतः आर्थिक व सामाजिक कारणों से होता है, जबकि यह प्रवास मुख्यतः आर्थिक कारणों से होता है, मतलब दूसरे राज्य में आदमी काम करने के लिए ही जाता है। फिर है, यह प्रवास भारत में अधिक होता है, जबकि यह प्रवास भारत में अपेक्षाकृत कम होता है। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका 2 रहेगा, बनाना आपको 1 रहेगा। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? विश्व में विरल जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या घनत्वकार, जनसंख्या घनत्व वह माप है जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या तथा वहाँ के क्षेत्रफल के बीच आनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है। इसे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। विश्व में विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जिन क्षेत्रों में 1 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं उन्हें विरल जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश कहते हैं। ऐसे प्रदेश पृथ्वी के धरातल का लगभग 95 करोड़ वर्ग किलोमीटर अर्थात 3/4 भाग घेरे हुए हैं। इसमें निम्नलिखित प्रदेश शामिल है, उष्ण मरुस्थल तो सहारा, कालाहारी मतलब अफ्रीका, आटाकामा दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अरब व थार एशिया तथा से नोरेन मरुस्थल ऐसे ही उष्ण मरुस्थल हैं जहां जल के अभाव के कारण पशुचारण मुख्य व्यवसाय और जनसंख्या विरल है, मतलब यहां जनसंख्या कम निवास करती है। अति ठंडे क्षेत्र, तो ध्रुवीय व उप ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान अत्यंत कम व फसलों का वर्धन काल बहुत छोटा होता है। इन क्षेत्रों में कनाडा व साइबेरिया का उत्तरी भाग तथा ग्रीनलैंड आते हैं। दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ विस्तृत अटलांटिक महाद्वीप जो पूर्णतया जनविहीन है। तीसरा है, ठंडे मरुस्थल व उच्च पर्वतीय प्रदेश, तो मध्य एशिया के क्षेत्र गोभी व तकला मकान मरुस्थल समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर महाद्वीप के भीतर भागों में स्थित क्षेत्र है। वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित इन क्षेत्रों में वर्षा निम्न व वार्षिक तापमान बहुत अधिक होता है। रॉकीज, एंडीज, हिमाचल आदि उच्च पर्वतीय प्रदेशों में भी विरल जनसंख्या पाई जाती है। फिर है विषुवत रेखीय क्षेत्र, इसमें सघन वनों से युक्त दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन तथा अफ्रीका का जायरे बेसिन शामिल है। यहाँ सारे साल
भारी वर्षा और उच्च तापमान पाए जाते हैं। जलवायु अस्वास्थ्यकर है तथा वन दुर्गम व आर्थिक रूप से कम उपयोगी है। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि की संकल्पना का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र विशेष में बसे हुए लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। उदाहरणार्थ यदि हम भारत की 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ को 2011 की जनसंख्या 121.01 करोड़ में से घटाएं तब हमें जनसंख्या की वृद्धि दर 18.31 करोड़ की वास्तविक संख्या का पता चलेगा। जनसंख्या की वृद्धि दर तो यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ 2001 व 2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 17.64% थी। फिर प्राकृतिक वृद्धि, तो दो समय बिंदुओं में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से बढ़ने वाले जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि का फॉर्मूला है जन्म माइनस मृत्यु, मतलब जन्म दर माइनस मृत्यु दर। उसके वास्तविक वृद्धि, तो इसमें जनसंख्या की जन्म दर व मृत्यु दर के साथ साथ प्रवास व अप्रवास की भी गणना की जाती है, मतलब कितने व्यक्ति उस क्षेत्र से बाहर गए या फिर कितने व्यक्ति उस क्षेत्र में आए। फिर है वास्तविक वृद्धि, तो जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवासी माइनस उत्प्रवासी। धनात्मक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि तब होती है जब दो समय बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या अन्य देशों के लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए। फिर ऋणात्मक वृद्धि, यदि दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होता है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए या लोगों अन्य देशों में प्रवास कर जाए। तो बच्चों ये थे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको कॉपी में आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।